आज हम लोग बात करने वाले हैं राजा और सम्राट में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। बहुत सारे सवाल रहते हैं कि राजा किसे कहते हैं, सम्राट किसे कहते हैं, राजा क्या होता है, सम्राट क्या होता है, इनकी शक्तियां क्या क्या होती है, कौन बड़ा होता है, राजा बड़ा होता है या सम्राट बड़ा होता है, राजा कैसे बनते हैं, सम्राट कैसे बनते हैं, इनका पद कैसे मिलता है, ये सब पूरा विस्तार से बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा और सम्राट, इसको अंत तक देखते रहिएगा, पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। राजा और सम्राट में अंतर क्या होता है, अगर दोनों समझ जाएंगे राजा और सम्राट क्या होते हैं तो अंतर अपने आप समझ जाएंगे। चलिए ध्यान समझिएगा। राजा क्या होता है, किसी देश या राज्य के, किसी देश या किसी एक देश या राज्य पर क्या करता है, शासन करता है। राजा किसी एक एक देश देश या राज्य पर शासन करता है, राज्य पर शासन करता है, शासन करता है, करता है, उसे राजा कहते हैं। क्या होता है, वो राजा होता है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कुछ मंत्री रखे हुए होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, और बहुत सारे विभाग में बहुत सारे लोगों को रखे हुए होते हैं, और इसके इन्हीं के पास क्या किस चीज की जिम्मेवारी आती है, वित्त विभाग, वित्त यानी कि रुपया पैसा का, सैनिक सैनिक और न्याय करने का, न्याय करने का सीधा इन्हीं के पास एकदम पावर रहता है, राजा के पास। यानी कि ये राजा हो गए, समझते हैं इसे, ये राजा हो गए, तो ये सीधे सीधे किसको, जनता, मान लो ये जनता हो गए, ये जनता, ये जनता या लोग हो गए, ये सामने लोग हो गए, ये लोग हो गए, तो ये राजा का कांटेक्ट डायरेक्ट लोगों से रहेगा। यानी कि कोई भी दिक्कत होगा राजा लोगों का, कोई भी न्याय करना होगा, कुछ भी करना होगा, कहां पर जाएंगे, राजा के पास जाएंगे, या कोई भी राजा नियम बनाएगा डायरेक्ट किसको बताना है, लोगों को बताना है। यानी कि सीधे संपर्क में किसके रहेंगे, राजा लोगों के संपर्क में। लेकिन सम्राट के समय ऐसा नहीं होता है। देखिए सम्राट में क्या क्या होता है, तो राजा क्या होता है, किसी एक देश या राज्य पर शासन करता है, और वित्त विभाग, सैनिक, न्याय, ये सब सीधे सीधे कंट्रोल करता है। यानी कि जनता पर सीधे सीधे, जनता से इनका कॉन्टेक्ट रहता है, लोगों से इनका कॉन्टेक्ट रहता है, मतलब सीधे सीधे ये कंट्रोल करते हैं इनको। लेकिन अब देखिए राजा का पद कैसे होता है, पद या तो वंशानुगत होगा, वंशानुगत या जीत कर ये राजा बनते हैं, समझ में आ गया राजा क्या होते हैं। लेकिन यही सम्राट, देखिए अब राजा के पास इतनी सारी शक्तियां होती है, लेकिन सम्राट क्या होता है, सम्राट को राजाओं का राजा कहते हैं। यानी कि ये राजा किस पर शासन करते हैं, लोगों पर, लेकिन ये सम्राट किस पर शासन करता है, राजाओं पर। यानी कि कुछ राजाओं के जो समूहों पर वो शासन करता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे राजा आते हैं। यानी कि इसके अधीन रहते हैं, बहुत सारे राजा इसके अधीन रहते हैं। मान लीजिए ये पूरा बड़ा क्षेत्र हो गया, ये सम्राट का बड़ा क्षेत्र हो गया, इसमें कई राजा होंगे, इसमें बहुत सारे राजा होंगे, इसमें किसके अंतर्गत होंगे, सम्राट के अंतर्गत। अब समझिए यहाँ पर ये होता क्या है, मान लीजिए ये सम्राट का क्या होता है, मान लीजिए किसी और राज्य या देश से युद्ध हुआ, तो दो को कंडीशन होगा, या तो सामने वाला हारा तो ये होगा कि उसका जो वो राजा है, वो राजा को पद से हटाकर ये पूरा जो उसका भी जो राज्य है वो अपने में मिला लेता है कोई राजा। मान लीजिए एगो ई राजा हुआ, तो ये इसको जीत लिया, तो दो को कंडीशन होता है, ये तो सामने वाला इसको मिला ले पूरा अपने राज्य में, या इसको कहे कि तुम राजा बने रहो, ये हार स्वीकार कर ले, मान लीजिए हार स्वीकार कर लिया, तो ये बोलेगा इससे कि तुम राजा बने रहो, लेकिन तुम्हारा जो सैनिक होगा, जो भी सैनिक होगा, सब किसके कंट्रोल में रहेगा, हमारे कंट्रोल में, हम तुमसे जो कहेंगे वही तुमको क्या करना पड़ेगा। यानी कि इस राजा का कंट्रोल यहाँ के लोगों पर डायरेक्ट नहीं रहेगा, किस पर रहेगा, राजा पर कंट्रोल रहेगा, किस पर, राजा पर कंट्रोल रहेगा। जो ये राजा को बोलेगा वही ये राजा यहाँ के लोगों को, मान लीजिए कर बढ़ाना होगा, जो भी करना होगा वो क्या करेगा, कर यानी कि टैक्स। लेकिन यहाँ पर राजा में क्या होता था, राजा डायरेक्ट किसके संपर्क में रहते थे, जनता के। लेकिन मान लीजिए ये सम्राट हो गए, ये इतने क्षेत्रों को जीते, क्या करेंगे, ये क्या करता है कि ठीक है ये तुम शासन करो अपने राज्य पर, लेकिन तुम्हारा जो सैनिक की जिम्मेवारी रहेगी किसके पास रहेगी, हमारे पास रहेगी, किसके पास, सम्राट के पास रहती है। वही सम्राट, एक राजा क्या बन जाता है, सम्राट। एक राजा सम्राट तब बनता है जब बहुत सारे राज्यों को जीतकर
और वहां के जो राजा होते हैं वो राजा को शासन करने के लिए दे देता है। मान लीजिए कोई छोटा सा ये राज्य है तो इस पर राजा शासन कर सकता है, लेकिन यही जब राजा यही बाकी सारे राज्यों को जीत कर इतना बड़ा हो जाएगा तो अकेले जनता से डायरेक्ट कंट्रोल में रहना, मान लीजिए कितने लोगों कितने जो जनता होगा वो न्याय करेगा राजा। मान लीजिए राजा के ये राजा के पास क्या होता है, सीधे न्याय करने की शक्ति होती है, यानी कि जितने भी जनता आते हैं उनका न्याय करता है कौन सही है कौन गलत है। एक छोटा सा राज्य रहेगा तो वहां पर कुछ ही लोग होंगे जो न्याय के लिए जाएंगे, लेकिन अगर बड़ा सा अगर पूरा बड़ा सा क्षेत्र हो जाएगा तो वहां तो बहुत सारे लोग आएंगे, राजा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अकेले। तो क्या करते हैं वहां अलग अलग राज्य में अलग अलग यहाँ पर राजा रख देते हैं, छोटे छोटे जो वहां के ही राजा होते हैं उसी को रख देते हैं और कहते हैं तुम्हारा सैनिक का जो कंट्रोल है किसके पास रहेगा, सैनिक और जितना भी सब कंट्रोल रहेगा हमारे पास रहेगा, हम तुमसे जो कहेंगे वो क्या करना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा और जनता पर लागू करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ की जनता यहाँ के लोग सीधे सम्राट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, किसके कंट्रोल में रहेंगे, इस राजा के, और ये सम्राट जो भी कहेगा इस राज्य पर नियम लागू होगा, इस राज्य पर नियम लागू करने के लिए सम्राट जो भी कहेगा वो क्या होगा, लागू होगा, इस राज्य पर नियम लागू होगा। यानी कि सम्राट होता है बहुत सारे राजाओं का, राजा को क्या बोलते हैं सम्राट, ये राजा होता है या तो स्वतंत्र होगा किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा या किसी भी सम्राट के कंट्रोल में रहता है। क्या किसके कंट्रोल में रहता है, किस सम्राट के कंट्रोल में रहेगा, अंतर्गत रहेगा या अकेले अपना स्वतंत्र उसका राज्य होगा, इसके सीधे जनता संपर्क में रहती है और इसकी जनता जो होती है किसके, राजाओं के माध्यम संपर्क में रहती है। अब देखिए एक राजा एक सम्राट कैसे बनता है, राजा क्या होता है सम्राट कैसे बनता है, तो देखिए पहले सम्राट कैसे बनता है ये देख लेते हैं, पद कैसे होता है, या तो वंशानुगत मिल जाएगा, वंशानुगत यानी कि इसके कोई भी सम्राट होगा उसका लड़का क्या बनेगा, सम्राट बनेगा, उसका लड़का सम्राट ठीक है, एक तो वंशानुगत मिल जाएगा। और दूसरा बात कि राजा बनता है कोई राज्य को, बहुत सारे राज्यों को जीतकर राजा कैसे बनता है सम्राट, ये राजा हो गया अब ये एक राज्य जीता, दो गो तीन गो चार गो पांच गो छह गो ऐसे करके पूरा राज्य को दूसरे भी राज्य को क्या कर लिया, जीत लिया, तो उसको वो क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है, क्या बन जाता है, ये सम्राट बन जाता है। और सम्राट बन जाता है और यहाँ के राजा ये अपने राज्य को संभालते हैं, लेकिन ये किसके नियम पर चलते हैं, सम्राट के नियम पर चलते हैं। तो यही होता है सम्राट राजाओं से बड़ा होता है, क्या सम्राट, सम्राट के अंतर्गत कई सारे राजा होते हैं, क्या होते हैं, राजा होते हैं और बहुत सारा ज्यादा क्षेत्र होता है, वो क्या होता है सम्राट, और राजा होता है छोटा सा क्षेत्र होता है उसी पर पूरा कंट्रोल रहता है, उसी को राजा कहते हैं, ये सम्राट पूरा दूर में इसका क्षेत्र रहता है। हमें लगता है कि राजा और सम्राट में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा, कौन राजा होते हैं और कौन सम्राट होते हैं।